नमस्कार, दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। आज दुनिया भर में प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत यूरोपीय संघ की संस्था ZWE जीरो वेस्ट यूरोप द्वारा वर्ष 2008 में अंदरूनी तौर पर की गई थी, जिसे बाद में विश्व भर में प्रसारित किया गया। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना इस मुहिम का लक्ष्य है। भारत की बात करें तो इस समस्या से निपटने के लिए सितंबर 1999 में पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कानून अस्तित्व में आया था। इसका लक्ष्य 20 माइक्रोमीटर या इससे कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग को प्रतिबंधित करना और रिसाइकल किए गए प्लास्टिक में खाद्य पदार्थ की पैकेजिंग को रोकना था। लेकिन 2003 में एक संशोधन के जरिए इसे लचीला बना दिया गया, जिससे समस्या बढ़ती चली गई। इसी के मद्देनजर एक राष्ट्रीय कानून प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं संचालन नियम 2011 लाया गया, जिसमें पहली बार गुटखा तंबाकू आदि को स्टोर करने वाली प्लास्टिक सामग्री के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। यह कानून भी कागज पर ही रह गया, जिसे नई सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नाम से नए कलेवर में ढालकर पेश किया। इस कानून में उत्पादों से उत्पन्न कचरे को अपने उत्पादकों और ब्रांड मालिकों को एकत्र करने की जिम्मेदारी दी गई थी। 2018 में इसमें संशोधन किया गया और जिसके तहत निर्माता, आयातक, ब्रांड के मालिक के पंजीकरण के मकसद से केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली का प्रावधान किया गया। सरकार ने इस कानून में फिर से संशोधन करने के लिए एक मसौदा यानी कि ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें 120 माइक्रोमीटर से कम मोटाई वाले कैरी बैग को बैन करना भी शामिल है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा नवंबर 2019 में लोकसभा में दिए गए एक अभिभाषण के अनुसार भारत प्रतिदिन 25,940 टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन करता है।